पर गुर्जरों के उपद्रव पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मामले में अब तक 700 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। सांसद विधायक समेत कई नेताओं के खिलाफ FIR भी की गई। तो सपा विधायक अतुल प्रधान के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मुरैना से कांग्रेस विधायक राकेश मावई के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। उधर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव साहब सिंह गुर्जर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मामले में पुलिस 11 उपद्रवियों को जेल भेज चुकी है और कई आरोपियों पर इनाम भी घोषित किया गया। तस्वीर आप देख रहे हैं। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद, क्या पूरा मामला है, किन किन लोगों पर कार्रवाई की गई है और फिलहाल क्या कुछ अपडेट? देखिए बिल्कुल मैं बता दूं, सोमवार को ग्वालियर में एक गुर्जर महाकुंभ बुलाया गया था जिसमें गुर्जर समाज ने सामाजिक कार्यक्रम के आधार पर उसकी अनुमति ली थी, लेकिन ये कार्यक्रम उपद्रव में बदल गया। जब ये कार्यक्रम खत्म हुआ तो कलेक्ट्रेट में जाके हजारों की संख्या में लोगों ने उपद्रव मचाया, रास्ते में तोड़फोड़ की। उसको लेकर पुलिस ने सख्ती बरती और तमाम नेताओं विधायकों पर मामला दर्ज किया गया है। 20 से ज्यादा लोगों पर 3,000 के इनाम घोषित कर दिए गए हैं। अब पुलिस ने जो अलग अलग राज्यों से लोग इसमें शामिल होने आए थे उनकी पहचान की गई है, उसके लिए टीमें बनाई गई हैं जिससे कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। एक बड़ी कार्रवाई ये पुलिस ने की है। पुलिस का कहना है कि इसमें जिसने भी हिंसा में किसी भी तरीके से भूमिका निभाई है, चाहे वो मंच पर हो या उसने उपद्रव मचाया हो या कलेक्ट्रेट गया हो, इस भीड़ में उनकी पहचान हो गई है तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, उन पर मामला दर्ज किया जाएगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर मामला दर्ज कर लिया गया है और फिलहाल पुलिस ने एक्शन लेते हुए जांच आगे करने की बात कही है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जानकारी के लिए।